So if you want to get rich in the near future, the best proven ways are mutual funds or stocks only. And as well a video, we are only going to discuss about stocks and investing in stocks. We are not going to discuss about the mutual funds. Mutual funds ke baare mein kabhi aur discuss karenge. So basically in this video, I'm going to show you my own stock portfolio. We are going to discuss about few questions which are like very common when people discuss about stock market. And I'm also going to show you live how you need to buy a stock. The platform which I'm using to buy the stock today and show you live is Zerodha. Zerodha ka jo apna registration link hai, main niche dal diya hun. Go ahead and install, join and happy investing. So make sure to watch this video till the end. Video mein bahut sari information aapko milega. Main aapko live dikha dunga kaise stocks main kharidta hu, kaise mera stock portfolio dikhta hai and kaise kya kya stock main rakhta hu mere portfolio mein. Pura end to end video ko dekhna, pura wala knowledge bhi aapko aa jayega and aap exactly seekh jaoge ki stock mein aap kaise normally stocks ko buy karna hai, kaise sell karna hai. Pura main aapko clarity aaj de dunga, pura live dikha ke ki how to buy and sell your stocks. So make sure to watch this video till the end. If you are new to this channel, consider subscribing. Naye ho channel pe to subscribe करके जाना, because we keep on talking about cars, bikes, personal finance and my lifestyle. So make sure you subscribe to the channel. So first discuss करते हैं biggest misconception about stock market. तो लोगों को लगता है stock market मतलब ऐसा कोई चीज है जहां हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात कुछ भी इधर उधर हो सकता है. वैसा कुछ भी नहीं है. स्टॉक मार्केट इज समथिंग ए बेसिक, मतलब जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ रियल इस्टेट इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही स्टॉक्स एक अलग वाला चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इट्स बेसिकली ये प्रोसेस और ए वे वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. ऐसा वो कुछ नहीं है, मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप रातों रात उसमें अमीर बन सकते हो. जो लोग मतलब बहुत सारा वही हर्षद मेहता 1992 स्कैम, 1996 स्कैम, ये सब स्कैम देख के आपको अगर लगता होगा कि हाँ स्टॉक मार्केट मीन्स पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, वैसा कुछ नहीं है. स्टॉक मार्केट इज अ वेरी सीरियस थिंग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो. सेकंड, व्हाई स्टॉक मार्केट इज बदनाम. स्टॉक मार्केट बदनाम क्योंकि मूवीज में, फिल्म्स में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट लोग जुआ बोलते हैं. स्टॉक मार्केट इज लाइक जुआ, गैम्बलिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नथिंग रिलेटेड टू जुआ, गैम्बलिंग और इलीगल थिंग. स्टॉक मार्केट्स आर वेरी लीगल. पीपल डू स्टॉक मार्केट्स फॉर लिविंग, पीपल डू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फॉर लिविंग. उनका दिन का रात का कुछ भी काम नहीं था. दे जस्ट पिक स्टॉक्स, दे ट्रेड स्टॉक्स, इन्वेस्ट स्टॉक्स, गेट बाय द स्टॉक्स, सेल द स्टॉक्स. उनका ऐसा ही काम रहता था. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट रिसर्च, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इट्स बेसिकली ये बिग मतलब बहुत बड़ा एक जॉब वाला है. लोगों का फ्यूचर मतलब स्टॉक्स ऊपर डिपेंड करता है. सो बेसिकली स्टॉक्स आर नॉट लाइक गैम्बलिंग और स्टॉक्स आर नॉट इलीगल. स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट इज नॉट इलीगल. इट्स बेसिकली ए प्रोसेस टू इन्वेस्ट योर मनी एंड वेट फॉर द रिटर्न्स. गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. ये गोल्डन रूल जो मैं पहला दिन मतलब 2020 में जिस दिन मैं रिसर्च करना शुरू किया, टिल 2020 मार्च आई हैड नो आइडिया अबाउट स्टॉक्स. आई डिड नॉट हैड अ स्टॉक पोर्टफोलियो, आई डिड नॉट इवन हैड अ डीमैट अकाउंट, आई डिड नॉट हैड एनीथिंग अबाउट आइडिया अबाउट द स्टॉक मार्केट टू. जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद ही मैं रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया. एंड उस दिन मेरे को लगा बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट में जो गोल्डन रूल ये है कि ओनली उतना पैसा इन्वेस्ट करो जो कि लॉस होने से आपको मतलब कुछ रिग्रेट नहीं होगा. ओनली उतना इन्वेस्ट करो, दैट इज द मोस्ट गोल्डन रूल. एंड ये और एक गोल्डन रूल है, इन्वेस्ट अनटिल यू सी ए प्रॉफिट. मतलब अगर जब तक आपको प्रॉफिट, मतलब अगर आप मतलब कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको प्रॉफिट का एक टारगेट, अगर वो टारगेट आपको अचीव हो जाता है, विड्रॉ करो. सिंपल है, मतलब मेरे लिए तो वही है. अगर आप और भी लंबा रखोगे, लंबा गेम खेलना है तो इन्वेस्ट का तो बहुत ही अच्छा है. बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म में मतलब प्रॉफिट चाहिए, देन एक टारगेट सेट करो, वो टारगेट अगर मीट कर जाता है उसको विड्रॉ करो. मे बी यू कैन री इन्वेस्ट और यू कैन यूज इट फॉर समथिंग एल्स. बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा को देखना है कि हाँ इसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर ये डूब भी जा सकता है, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो. देखो स्टॉक मार्केट इज रिस्की, ऑफ कोर्स तो रिस्क है, तो इसके जिसको बोलते हैं उसका मतलब ये है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन भी कर नहीं सकते. सो बेसिकली गोल्डन रूल इज ओनली उतना पैसा इन्वेस्ट करो जितना लॉस होने से आपको रिग्रेट नहीं होने का है. अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो देन जब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखता तब तक भाई विड्रॉ नहीं करने का. सिंपल है बॉस. नाउ हाउ लॉन्ग शुड यू होल्ड योर स्टॉक पोर्टफोलियो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब वैलिड क्वेश्चन है कि स्टॉक्स को कितना तक हमें होल्ड करना चाहिए. जैसे देखो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टॉक आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा अच्छा है. क्योंकि बेसिकली स्टॉक्स आर लाइक आप एक कंपनी का कुछ एक पार्ट खरीद रहे हो. कोई एक स्टॉक्स खरीदे मतलब वो कंपनी का कुछ एक पार्ट खरीद. सो बेसिकली यू आर मतलब अगर आपका ऐसा रहना चाहिए कि जो सामान आप यूज करते हो उसके आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो मतलब उसके ऊपर आपका बिलीव है, मतलब उसके ऊपर आपका एक ट्रस्ट है कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स चलते हैं, चलो इसका अपन स्टॉक रखते हैं एंड ये कंपनीज ग्रो करेगा करेगा करेगा. सो जब तक आपको मतलब इमरजेंसी फंड्स का जरूरत नहीं होता है
टिल देन यू शुड नॉट विड्रॉ ऑल दोज मनी. सो बेसिकली आई वुड ऑलवेज सजेस्ट मतलब होल्ड करो जब तक हो सकता है. अगर आपका एक प्रॉफिट कभी चाहिए, अगर आपको इमरजेंसी फंड्स चाहिए, देन मे बी यू कैन विड्रॉ. अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है, देन मे बी जस्ट गो एड एंड होल्ड द स्टॉक्स फॉर एवर. द नेक्स्ट कम्स टू चूज कैसे करें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए. देखो ऐसे आप नहीं होना चाहिए कि स्टॉक्स आप यूट्यूब के वीडियोज देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, किसका और का वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट पढ़ रहे हो कि ये वाला खरीदना चाहिए, ये उठेगा, नीचे जाएगा, बढ़ेगा. ये ऐसा सुन के अगर आप स्टॉक्स में अंदर जाओगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, कभी ना कभी डूबोगे. मेरे आंखों के सामने बहुत लोग ऑलरेडी डूब चुके हैं. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. आपको ओनली वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली व्हाट यू आर यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग एप्पल आईफोन, देन मेरे को एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहिए. बाकी एप्पल तो भी इंडिया में नहीं है. आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ आई एम राइडिंग ए टेस्ला कार, देन टेस्ला में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए. इफ आई एम यूजिंग एप्पल आईफोन, एप्पल में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए. इफ आई एम ईटिंग लाइक ब्रिटानिया बिस्कुट्स, देन ब्रिटानिया में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर मैं मतलब कोई एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, अगर मैं घर पर अपन फेविकॉल यूज करते हैं, देन अपने को वो फेविकॉल जो पीडी लाइट वाला वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए. सो बेसिकली आप जो मतलब जो सामान यूज करते हो, जो चीज़ों पर आपका एक्चुअली मतलब ट्रस्ट है, द थिंग्स विच यू एक्चुअली ट्रस्ट एंड विच यू एक्चुअली आर कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग इट, जिनका क्वालिटी के ऊपर आपका विश्वास है, ओनली वही सब स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए एक्चुअली. एंड कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसे सुन के कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो कि वो बोल रहा है कि ये वाला स्टॉक खरीद ले, ये ऊपर जाएगा, खतरनाक प्रॉफिट होगा. वैसे सुन के कभी भी मिस्टेक मत करना. प्लीज डू योर ओन पार्ट ऑफ रिसर्च. अभी ये जो स्टॉक मार्केट जो एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पीवी, बहुत सारा चीज है, अगर आप पढ़ने जाओगे तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है उतना ज्यादा रिसर्च करने के लिए. तो बाकी मैं उतना ज्यादा रिसर्च करने में टाइम नहीं होता. व्हाट आई नॉर्मली डू इज जो चीज मैं खुद यूज करता हूँ, मैं ओनली वही सब स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ. सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन स्टॉक्स. मैं कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ. सो नॉर्मली माय सैलरी मतलब आई नॉर्मली टेक ए सैलरी फ्रॉम माय कंपनी. मतलब इवन इफ आई एम अ डायरेक्टर, आई एम स्टिल टेकिंग ए सैलरी फ्रॉम माय कंपनी. सो वो वाला जो सैलरी आता है और मेरा जो यूट्यूब सैलरी, वो दोनों से मैं लेट से 20-30% निकाल के रखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट से 10,000 रुपये अगर आप निकालते हो, 10,000 का ऐसे ऐसे करने का है कि 10,000 से 5,000 आपका SIP म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और 5,000 आपको स्टॉक मार्केट के लिए रखना है. तो वो जो 5,000 रहता है, मैं एक मतलब लिस्ट बना के रखता हूँ कि हर महीना मेरे को 1 तारीख में 5,000 रुपया लेट से अगर निकालते हैं, वो 5,000 में दो ज्यादा स्टॉक्स आई नीड टू बाय. फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, टाटा पावर, उसके बाद हो गया रिलायंस, उसके बाद लेट्स से हो गया पीडी लाइट. ये 3 स्टॉक मेरे को हर महीना दो दो स्टॉक खरीदना है एंड मेरे पास उतना ही मतलब वॉलेट में 5,000 है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है. सो बेसिकली द प्लान इज आपको मतलब प्लान करके रखना है कितना पैसा आपको हर महीना मतलब इन्वेस्ट करना है, उसमें से कितना म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और कितना चाहिए स्टॉक्स में जो भी जा रहा है उसका भी आप प्लान करके ऐसे रखोगे कौन सा स्टॉक्स आप हर महीना खरीदोगे. जिस महीना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक्स आप देख रहे हो कि आज बहुत ऊपर है तो आज नहीं खरीदूंगा. तो क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो, यू आर डूइंग इट फॉर ए लॉन्ग टर्म गेम, तो स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा. अगर आप वैसे देखने जाओगे आज मैं नहीं खरीदूंगा, थोड़ा वो कम आएगा तो उसके बाद खरीदूंगा, देन यू कैन नेवर बाय ए स्टॉक. सो अगर आप SIP जैसा करते हो तो हर महीना 1 तारीख को पैसा निकालो अपने सैलरी अकाउंट से, कुछ भी लेट्स से 20% निकालो, उसमें से आप प्लान करके पहले से रखो कि मैं हर महीना ये स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एटलीस्ट हो सकता है ये सब स्टॉक से 2-2 स्टॉक में खरीद के रखूंगा. दैट इज हाउ आई बेसिकली डू माय सेल. मैं हर महीना 1 तारीख को जैसे ही मेरा सैलरी क्रेडिट होता है उसमें से 10-20% आई डू इट लाइक 10% आई मूव इट टू माय म्यूचुअल फंड्स एंड 10% आई मूव इट टू माय स्टॉक्स. स्टॉक्स मेरा प्लान होकर रहता है कि कौन सा स्टॉक, वो सब स्टॉक्स से लेट्स से 5 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स ऐसा प्लान करके रखता हूँ. जैसे ही वो पैसा खत्म होता है आई नॉर्मली वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ. आई डोंट गो ऑन इन्वेस्टिंग अगेन ऑन द सेम मंथ. तो वैसे ही करके प्लान करना है एंड दैट इज बेसिकली माई प्लानिंग. आई एम नॉट श्योर हाउ एक्सपर्ट्स डू इट. मेरे लिए तो मैं ऐसे ही प्लान करके रखूंगी, मेरा जो मतलब मंथ स्टार्टिंग में जो भी पैसा आता है आई नॉर्मली जस्ट गो एंड इन्वेस्ट. तो कि वहां से कुछ भी अगर पैसा आता है तो अपने को मतलब एक गुड फीलिंग होगा आगे जाके. अगर कभी एक इमरजेंसी फंड, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमरजेंसी फंड की बात करते हो, इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने से चाहिए उसको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दो. स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो इमरजेंसी फंड ऑलरेडी तो बन के है, उसके बाद वो अप्रिशिएट भी कर रहा है. मतलब मे भी कहीं लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, कंपनीज ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ लॉस. तो लॉस प्रॉफिट ये तो चलता रहेगा, बाकी आपका जो पैसा सिक्योर होकर रहेगा. म्यूचुअल फंड सर टोटल सिक्योर है, बाकी अपना स्टॉक मार्केट कभी नीचे भी जा सकता है. सो बेसिकली आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर लार्ज कैप कंपनीज ओनली. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट एक्सपर्ट्स टेल हाउ टू चूज द स्टॉक्स एंड व्हाट ऑल स्टॉक शुड यू बाय. सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पकड़ लो टेलीकॉम हो गया, उसके बाद हो गया केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, उसके बाद हो गया मतलब ऑटोमोबाइल हो गया, ऐसे जो सब पार्ट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब से आप जो टॉप
कंपनीज हैं उनको उठा के लेगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया HDFC को उठाओ, ऑटोमोबाइल हो गया टाटा जो अपना मोटर्स उसको उठा लो, टेलीकॉम हो गया रिलायंस को उठा लो, केमिकल्स हो गया पकड़ लो टाटा केमिकल्स को पकड़ लो या फिर दीपक नाइट्रेट पकड़ लो। ऐसे जो सब टॉप कंपनीज हैं, जो सब मेजर सेक्टर्स के टॉप कंपनीज को पिक करो, वो सब कंपनीज को लेके ऑरिक हो गया अपना FMCG में पकड़ लो, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ऐसे करके ओनली वो जो अपना टॉप कंपनीज मतलब टॉप जो कैटेगरी है टॉप कंपनीज को पकड़ो, उनका लिस्ट बनाओ एंड वो सब में हर महीना SIP जैसे ही स्टॉक्स कुछ खरीद के रखो, वैसे ही करके बेसिकली एक्सपर्ट सजेस्ट एंड दैट इज हाउ आई हैव बीन फॉलोइंग माई सेल्फ एज वेल। नेक्स्ट कम्स टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वर्सेस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज व्हाट आई डू, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज समथिंग व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। उसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप हर दिन कुछ पैसा लेके बैठोगे, उसका पॉजिटिव कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे, तो हर दिन का डे एंड से पहले आपको उसका अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग का मतलब वही है कि अगर आप 10 रुपये लगाते हो एंड कहीं वो 12 रुपये हो गया तो 3:30 से पहले आपको वो 12 रुपये का अकाउंट क्लोज करके 2 रुपये का प्रॉफिट कमाए आपको घर आने का है। तो दैट इज व्हाट ट्रेडिंग डज। ट्रेडिंग के लिए पीपल डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ हैविंग ए जॉब एंड डू द ट्रेडिंग। लॉट ऑफ पीपल डू दैट मिस्टेक एंड देयर लाइफ हैज बीन लाइक फक्ड अप लाइक हेल। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। सो अगर आप ट्रेडिंग करते हो इन फॉर ए प्रो देन यू कैन जस्ट गो एंड डू द ट्रेडिंग। बाकी आजकल मैं देखा हूं लोग YouTube देख के बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी स्टॉक ट्रेडर बन जाएंगे, हम भी ट्रेडिंग करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, वैसा नहीं होता है। सो एज पर PR सुंदर सर ओनली एक्सपर्ट्स मेक मनी, amateurs डू नॉट मेक मनी, दे ओनली मेक मिस्टेक्स। सो वैसे ही होता है। अगर आप मतलब YouTube वीडियो देख के सोचो कि हाँ मैं ट्रेडिंग का मेरे को सब आइडिया आ गया, मैं भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा, मैं जॉब वॉब छोड़ दूंगा, जॉब के साथ भी ट्रेडिंग करूँ, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग इज एन आर्ट एंड ट्रेडिंग नीड्स एन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो इफ यू डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज, इफ यू डू नॉट हैव एन एक्सपर्टीज, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, प्लीज डोंट गो एड एंड डू द ट्रेडिंग। मेरे को ट्रेडिंग का टोटल आइडिया नहीं है, आई एम जीरो एट ट्रेडिंग, मेरे को ट्रेडिंग आती भी नहीं है, मेरे को समझना भी नहीं है। आई एम समवन हु इज इनटू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप कुछ स्टॉक खरीदते हो, होल्ड करते हो कुछ टाइम तक, अगर आपको प्रॉफिट दिखता है आप जाके उसको विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, जब कोरोना के टाइम में मैं जब टोटल अपना रिसर्च शुरू किया, आई हैड बॉट द HDFC बैंक शेयर्स फॉर 815 रुपीज एंड HDFC जब अपना हुआ था 1200 रुपीज, आई जस्ट वेंट हेड एंड सोल्ड ऑल द शेयर। सो जैसे ही होता है कि आप ट्रेडिंग करने से आपको हर दिन आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट इज लाइक सेफ, आपको सेफ खेलना है, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलता आप विड्रॉ नहीं करोगे। अगर आपको होल्ड करके रखना है बहुत ही अच्छा है, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, अच्छे अच्छे कंपनी से बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर फिर भी आप एक मतलब टारगेट सेट करते हो या फिर आपको इमरजेंसी फंड्स चाहिए एंड पैसा थोड़ा भी अप्रिशिएट कर गया एंड आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अप्रिशिएट किया, यू कैन जस्ट गो एंड विड्रॉ लाइक मी। सो बेसिकली दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वर्क्स एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपको हर दिन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म गेम, जस्ट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। नाउ व्हाट आर द स्टॉक्स व्हिच आई एम होल्डिंग, व्हाट इज माय स्टॉक पोर्टफोलियो, लेट मी जस्ट टेल यू माय स्टॉक्स। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता क्योंकि वहां पे इतना सारा रेड एंड ग्रीन लाइन है कि आप टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे क्या इसमें क्या चल रहा है। सो आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल व्हाट ऑल स्टॉक्स आई होल्ड एशियन पेंट, इन्फोसिस, ITC, L&T, पीडीलाइट IND, रिलायंस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, TCS, टाइटन, विप्रो, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, टाटा मोटर्स, IRCTC, दीपक नाइट्राइट। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल द स्टॉक्स व्हाट आई पर्सनली होल्ड राइट नाउ। लास्ट साल भी मैं थोड़ा अपना पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए ट्राई किया था, बाकी वो जितना भी सारा मैंने मतलब सेविंग्स किया था स्टॉक में, जितना भी इन्वेस्ट करके रखा था, वंस आई हैड ए गुड मतलब प्रॉफिट आई जस्ट वेंट एंड यूज ऑल दोज प्रॉफिट मनी टू क्लोज वन ऑफ माई लोन्स ऑफ माई हाउस लोन। सो वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, यू कैन ईजिली मेक मनी, यू कैन ईजिली लूज मनी एज वेल। सो जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता है आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू होल्ड द मनी। सो नाउ दैट यू हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग एवरीथिंग, अभी अपन देखते हैं हाउ टू बाय स्टॉक्स। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई पर्सनली डिड नॉट हैड इवन एनी काइंड ऑफ आइडिया अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा वाला कंफ्यूजिंग वाला चीज था एंड आई एम प्रीटी श्योर 99% ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो जिनको स्टॉक मार्केट आइडिया नहीं है, दे मस्ट बी ऑल्सो हैविंग द सेम क्वेश्चन लाइक मी। सो ये जो है मैं आपको पूरा सिंपल बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है Zerodha इज वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, आई गेस इट्स दी बेस्ट एप्लीकेशन राइट नाउ इन इंडिया। नीचे में लिंक डाल दिया, यू कैन जस्ट गो एड रजिस्टर एंड स्टार्ट विद स्टॉक इन्वेस्टिंग। मैं आपको अभी क्लियरली दिखा दूंगा कि आप रजिस्टर करने के बाद कैसे आपको स्टॉक खरीदना रहता है, बाय एंड सेल, हाउ इट हैपेंस, हाउ टू एड फंड्स, हाउ टू बाय स्टॉक, चूज ए स्टॉक, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू लाइव ऑन माय मोबाइल राइट नाउ। ओके, सो दिस इज द Zerodha वाला ऐप का इंटरफेस, आप देख सकते हो यहाँ अभी मेरे पास बैलेंस है 40,000, मेरे को 40,000 यूज करना है। सो आई हैव लिस्टेड HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, IRCTC, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, सबसे भी 5-5 शेयर खरीदते हैं। HDFC बैंक आपको ऐसे क्लिक करने का है, बाय
बाय क्लिक करके यहाँ पे डालना है क्वांटिटी 5 जैसे ही डालोगे स्वाइप अप यहाँ देख सकते हो अवेलेबल 39,000 अप्रोक्स मार्जिन 1554 स्वाइप टू बाय बस दैट्स इट इट्स डन प्लेस्ड 5 HDFC बैंक अभी हिंदुस्तान लीवर फिर बाय 5 स्वाइप टू बाय 5 डन हिंदुस्तान लीवर डन टाटा मोटर्स लेट्स से 5 स्वाइप टू बाय डन उसके बाद जाकर IRCTC बाय खत्म उसके बाद जाके लेट्स से टाटा केमिकल्स बाय यहाँ से 5 सो देखा आपने दिस इज हाउ यू बेसिकली नीड टू बाय एंड सेल अगर करना है वैसे ही आप एक को स्टॉक को क्लिक करोगे सेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा वो जो पैसा आपके जीरोधा वाला वॉलेट पे आ जाएगा उसके बाद वो वॉलेट से आप एक क्लिक करोगे आपको 3 दिन के अंदर टोटल पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा दैट्स वेरी इजी एंड जीरोधा इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इजिएस्ट प्लेटफॉर्म उनका फोन पे एप्लीकेशन है आईपैड पे कंप्यूटर पे आप डायरेक्टली वेब से कर सकते हो सब कुछ यू कैन डू एंड इट्स वेरी ट्रस्टेड टोटली सेफ बहुत लोगों को लगता है उनका पैसा सेफ नहीं है इट्स कंप्लीटली सेफ पैसा टोटल सेफ है कोई मतलब डरने का जरूरत नहीं जस्ट गो एंड इन्वेस्ट हैप्पी इन्वेस्टिंग ऑलराइट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द वीडियो कमेंट्स बिलो एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर भी मार देना फ्री है लाइक करने पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने पैसा नहीं लगता एंड इफ द वीडियो हेल्प गो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड लेट मी नो व्हाट मोर वीडियोज डू यू वांट टू सी अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्योंकि मैं अभी नया नया अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ नया नया रिसर्च कर रहा हूँ एंड आई बीन ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ बाय रीडिंग बुक्स वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज सो बेसिकली this is something new for me even I am trying to understand the complete idea about the stock market but this has been a good journey so far investment I like investing pehle kya hota tha ki main invest karta nahi tha savings bhi karta nahi tha aaj kal main thoda save karta hu invest bhi karta hu I can feel matlab it's a very good feeling jab aapka dikhta hai ki aapka figure upar ja raha hai so that is kind of good feeling anyways if you have got any questions let me know in the video comment below and I will see you guys tomorrow with a new vlog